हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टूडियो। मैं अजहर साबरी। आज के डेट में लगभग सारे लोग चाहते हैं कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, क्योंकि आज के डेट में लगभग सभी के पास या तो फोर व्हीलर या फिर टू व्हीलर तो है ही है। और अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़े जाते हैं तो 500 रुपया 1000 रुपये तक का पेनल्टी देना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए चाहते हैं कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए तो एक अच्छी बात हो जाएगी कि एक तो लाइट मोटर व्हीकल के लिए, दूसरा बाइक वगैरह के लिए भी हमारा काम आ जाएगा। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा कि भाई हमारे पास भी ड्राइविंग लाइसेंस हो, एक तो प्रूफ के तौर पर भी इसे यूज़ करते हैं लोग, दूसरा कि ड्राइविंग करने के लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास हो जाता है। देखिए, मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूं, तो मैंने बिहार से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर के यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ सर्च किए, बहुत सारे वीडियोज़ देखे भी। बहुत सारे वीडियोज़ में ये दावा भी किया गया, मैं किसी चैनल का नाम या किसी भी इंडिविजुअल वीडियो का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर देखे जिसमें ये तो दावा किया जा रहा है कि बिना ड्राइविंग टेस्ट के, बिना ऑनलाइन टेस्ट के आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं बिहार में। बिहार के अलावा अन्य स्टेट्स के बारे में भी ऐसा दावा किया जा रहा है। मैंने सोचा कि चलो भाई, मुझे तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है बिहार का, तो क्यों ना मैं भी जो है विदाउट टेस्ट वाला ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूँ। तो मैंने सबसे पहले लर्नर के लिए जो अप्लाई करना होता है वो मैंने अप्लाई करना शुरू किया कि भाई चलो कम से कम लर्नर ही हमारा विदाउट टेस्ट बन जाए। बिहार का मैंने वेबसाइट ओपन किया, वहां पर आधार ऑथेंटिकेशन का कोई ऑप्शन नहीं था, ओटीपी वाला मोबाइल नंबर पे जो आता है वो ऑप्शन था, उस ऑप्शन को फॉलो करते हुए मैंने वहां से एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। लेकिन अब मसला क्या हो रहा है कि अब हमें ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि जितने सारे दावे यूट्यूब पर किए जा रहे हैं कि बिहार में बिना टेस्ट के भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। हाँ, एक और चीज बात है कि भाई सारे लोग दावा तो ड्राइविंग लाइसेंस का कर रहे हैं, लेकिन जब उनके वीडियोस में आप जाएंगे, वीडियोस को देखेंगे, ट्यूटोरियल, तो आपको वहां पे लर्नर लाइसेंस के बारे में बताया जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि ये जो वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं इन्हें पता है भी कि नहीं कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है और लर्नर लाइसेंस क्या होता है। खैर, ये तो हो सकता है कि एक क्लिक बेट हो कि हम ड्राइविंग लाइसेंस बता करके जो है लोगों को लर्निंग लाइसेंस के बारे में बताएं, और जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि आप विदाउट टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर करने जाएंगे तो आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। जैसा कि मेरे केस में हुआ कि मैंने बिहार के लिए सबसे पहले लर्नर के लिए अप्लाई किया, उसके बाद हमें अब स्लॉट बुक करना पड़ेगा पेमेंट करने के बाद, और स्लॉट बुक करेंगे तो उसके बाद हमें ऑनलाइन टेस्ट भी देना पड़ेगा हमारे जो लोकल DTO ऑफिस है। तो मतलब कि जितने भी YouTube पर वीडियोज़ हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि आप बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस तो दूर की बात, आप बिना टेस्ट के लर्निंग लाइसेंस भी बिहार में नहीं बना सकते। हाँ, जैसा कि मैंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला, और बल्कि मैंने वेबसाइट विजिट भी किया और उन सारे स्टेट्स के वेबसाइट भी विजिट किया। इसमें तो हमें दो ऐसे स्टेट्स पूरे इंडिया में मिले जहां पर आप आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू बिना ऑनलाइन टेस्ट के लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं, जिसे लर्नर कहते हैं, LL कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेट्स हैं, पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा कोई स्टेट्स नहीं है। भले ही आपको चौथा पांचवा नंबर के बाद स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन ना आता हो, जैसे कि सारे यूट्यूबर्स यूट्यूब पर वीडियो बनाने के दौरान इस बात का जिक्र करते हैं कि यहां पर चूंकि स्लॉट बुक का ऑप्शन पांचवें या छठे नंबर पर नहीं दे रहा है, तो इसलिए यहां पर विदाउट स्लॉट बुक किए, विदाउट टेस्ट के आप लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, या फिर किसी भी राज्य से हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को छोड़ करके अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। और अगर उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस में कोई छूट नहीं। हाँ, अगर आप किसी ने ड्राइविंग स्कूल से सीखा है और अगर आपको वहां से सर्टिफिकेट मिला है तो उसमें जरूर छूट है कि आपको अपना उस ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट के डिटेल देना पड़ेगा, जिसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा। तो ये सारा कुछ मसला है, इसीलिए मैंने अपने इस वीडियो के थंबनेल में लिखा कि ड्राइविंग लाइसेंस बिना टेस्ट के घर बैठे बनाइए ? क्या ये पॉसिबल है? क्वेश्चन मार्क का मतलब यही होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि घर बैठे बैठे बिना टेस्ट के हम ड्राइविंग लाइसेंस जो है बिहार के लिए बना सकते हैं या फिर झारखंड के लिए बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा किसी भी स्टेट में अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको टेस्ट देना होगा। तो अगर इस तरह के वीडियोज यूट्यूब पर मिलते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये लोग कितना इन्फॉर्मेशन आप तक पास कर रहे हैं।
कितना सही इंफॉर्मेशन आप लोगों तक दे रहे हैं, क्योंकि मैं तो विदाउट टेस्ट के चक्कर में लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। अब चूंकि मैंने पेमेंट भी कर दिया तो मैं फंस चुका हूं। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है कि मैं अपने DTO ऑफिस में जाऊं, स्लॉट बुक करके और वहां पर ऑनलाइन टेस्ट दूं, देन हमारा जो है लर्निंग लाइसेंस बनेगा। इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है YouTube पर वीडियोस बना बना करके कि आप विदाउट टेस्ट लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं, लेकिन इसमें सच्चाई रत्ती बराबर नहीं है। विदाउट टेस्ट आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, इसमें भी सच्चाई रत्ती बराबर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट है तो इसमें आपको जरूर छूट मिल सकता है टेस्ट में, लेकिन लर्निंग लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप डायरेक्टली बनाते हैं विदाउट किसी ड्राइविंग स्कूल के या उसके सर्टिफिकेट के, तो आपको सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, जो कि अब से पहले भी होता था और आज भी हो रहा है। आई होप कि आगे भी होगा, मुझे नहीं पता। तो जो पहले चल रहा था वो आज भी चल रहा है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या फिर लर्निंग लाइसेंस के लिए, सिर्फ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को छोड़ करके। तो इस तरह के वीडियोस के झांसे में ना आए जहां पर आपको इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और मैं यहां पर किसी चैनल का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि एक ऐसे चैनल नहीं है जिन्होंने इस तरह के दावे किए। आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको एक लंबी वीडियो का लिस्ट मिल जाएगी जिसमें यही दावे किए जा रहे हैं कि बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस, बिना टेस्ट के लर्निंग लाइसेंस वगैरह वगैरह। खैर, मैं जाते जाते यही कहूंगा कि आप इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन से बचें, और अगर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना ही चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट जो परिवहन का है वहां पर जाएं और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करें, देन अप्लाई करने का डिसीजन लें। मैं फंस गया हूं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी उन वीडियोज को देख करके धड़ाधड़ ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लें, पेमेंट भी कर लें, बाद में आपको पछतावा हो कि अरे हमें तो टेस्ट भी देना है। तो आज के डेट में चूंकि लोग टेस्ट से दूर भागते हैं, तो जो लोग दूर भागते हैं वो पहले परिवहन के वेबसाइट पर जाकर के अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चेक कर लें कि क्या वाकई में हमारे स्टेट में बिना टेस्ट का ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिन यूट्यूबर्स ने इस तरह के वीडियोज बनाए हैं उनके लिए हमारा एक छोटा सा मैसेज है, वीडियोज बनाए जरूर, वीडियो बनाना अच्छी बात है, लेकिन लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ना दे, इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। वीडियो बनाना है तो रिसर्च करें, सही से जानकारी इकट्ठा करें, देन आप इन्फॉर्मेशन लोगों तक रखें, ताकि लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद ना हो, दोनों बेकार ना जाए। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोज के लिए टेक स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें।